एक ड्रीम मन में था कि मैं इंडिया से बाहर जाऊं, देश विदेश घूम के आऊं, लेकिन ये जानता था देश विदेश जाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, पहला चाहिए पैसा और दूसरा चाहिए टाइम, और मैं एक ऐसा इंसान था जिसके पास वो दोनों चीज़ें नहीं थी। और जब वो हमारे फादर साहब हमें छोड़ के गए तो हमारे घर के अंदर पैसा नाम की चीज़ नहीं थी, ना ही हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें पूछा, ना ही हमारे किसी दोस्त ने पूछा। मैं राजीव कुमार फ्रॉम चंडीगढ़, जन्मभूमि अंबाला हरियाणा। हमारे पास दो कमरे थे, फर्स्ट फ्लोर का हमारा घर था, और जो हमारी किचन थी उस किचन की आधी छत टूटी हुई थी। हम लोग जो है एक एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए थे। मैंने अपनी 9th जो है वहीं पे छोड़ी और मन में आया कि अब मैं कुछ काम करूं। मेरे को किसी ने अपने साथ लेके गए, हमारे घर के पास रहते थे, कि चला तेरे को हम एक दुकान पे ले चलते हैं। वो मेरे को एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान के ऊपर लेके गए। जब मैं उस दुकान पर जाने शुरू हुआ तो मेरा नाम पहली बार जो है नाम मेरा बदल गया। वहाँ पर मेरा जो नाम रखा गया वो छोटू करके मेरे को बुलाया गया। तो वहाँ पर मैंने शुरुआत करी, छोटे काम थे, पानी पिलाना, चाय लेके आना। फिर उसके बाद मैंने जो है एक छोटे छोटे जो काम होते हैं उन छोटे छोटे कामों को करना शुरू करा। लेकिन उन कामों को करते हुए मेरे को लगा कि शायद अभी इन कामों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। किसी को बिना बताए अकेला एक दिन पार्क में जाके बैठ गया। तो मैंने अपनी जिंदगी का वहां पर एक फैसला करा कि आज के बाद मैं जॉब नहीं करूंगा। और इन बिटवीन जो है DXN हमारी फैमिली में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। सिस्टर जो है अंबाला से 300 किलोमीटर दूर धामपुर में रहती थी, और सिस्टर का जो है आधा हिस्सा हमारा सुन्न हो चुका था उनका, जहाँ जो डॉक्टर जवाब दे चुके थे। सिस्टर अब ना उम्मीद तो हो चुकी थी कि अब वो नहीं ठीक होंगी। जो DXN के RGGL जो हमारे कैप्सूल्स है वो DXN ने सिस्टर ने शुरू करे, और शुरू करने के बाद विद इन 10 डेज में सिस्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। जो 10 मिनट भी नहीं खड़ी हो सकती थी वो खड़ी होनी शुरू होगी। उन्होंने धीरे धीरे अपने काम करने शुरू कर दिए। उधर सिस्टर में इम्प्रूवमेंट आती रही, इधर हमारी मदर में डाउनफॉल आता रहा। मदर की कंडीशन दिन पे दिन ज़्यादा ख़राब होती गई, लेकिन इस दौरान हमारी सिस्टर का भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बेटर फील करने लगी थी और पूरा घर का काम सारा वो करने लगी थी। तो सिस्टर ही ज़बरदस्ती अपने साथ मदर को लेके गई, और जब सिस्टर अपने साथ लेके गई तो मदर ने ये RGGL और ये सभी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू करा। जब वो कंज्यूम करना शुरू करा, जहाँ हमें याद है कि मदर को ये बोल दिया था कि अब घर लेकर जाओ, सेवा करो, तो लेकिन वो सेवा की बजाय मदर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। मदर ने अपने काम, अपना सब कुछ धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। तो सिस्टर ने जो हम लोगों को DXN के बारे में इंट्रोड्यूस कर चुकी थी अशोक गोयल जी के पास, उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं DXN, वो जानते थे मैं DXN का काम करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक दिन अपने ऑफिस में बोला कि काके इतनी अच्छी चीज़ है तो इसको घर में क्यों लेके बैठा है। वो मेरे को अपने साथ अपनी दुकान पे लेके गए, और दुकान पे ले जाने के बाद उन्होंने वो दुकान दिखाई। दुकान देख के मेरे को उन्होंने बोला कि ये दुकान की चाबी रख और तू यहाँ पे अपना ऑफिस खोल। समझ आ चुकी थी अभी दुकान तो मिल गई है, लेकिन इस दुकान को सजाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। बहुत मायूस होकर पैदल चला हुआ आ रहा था, तो चलते चलते मेरे को रास्ते में हमारे पूरा बहुत पुराने अंकल जी मिले, जिनका नाम था RC जैन, रमेश चंद्र जैन। उन्होंने मेरे को हौसला दिया कि मैं हूँ, मैं तेरे को पैसे दूंगा। उन्होंने मेरे को काम करने के लिए पैसे दिए। वहाँ मैंने अपना एक ऑफिस बनाया। सन 2010 के अंदर
हम लोगों ने एक वेल सेटल ऑफिस अंबाला के अंदर इंट्रोड्यूस करा और वहाँ से हम लोगों का एक कैरियर शुरू हुआ। तो मैंने अपना पहला फोर व्हीलर एक सेकेंड हैंड मारुति कार में परचेज करके लेके आया। फर्स्ट टाइम मेरे को एयरपोर्ट पे जाने का मौका मिला। फिर मैंने अपने आप को बहुत पिंच करा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। इसमें वाइफ ने पूरी तरीके से पॉजिटिव होकर मेरे को साथ दिया और हम दोनों ने मिलके इस प्लेटफार्म को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और उस बढ़ाने का नतीजा कि करते करते आज की डेट में जो मैं हूँ एक क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन पर पहुँच गया। कहाँ मेरी 1500-1800 रुपये की नौकरी हुआ करती थी और आज मैं DXN की बदौलत, अपने काम की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत लग्जरी गाड़ी ऑपरेट कर रहा हूँ। आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। मेरे घर की, मेरे परिवार की गरीबी दूर हो सकती है तो आपके परिवार की गरीबी क्यों नहीं दूर हो सकती। आज लोग कहते हैं DXN ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ आज DXN ज़रूरी है, कल आपकी मजबूरी होगी। और शायद जिस प्रॉब्लम के साथ हम लोग आए थे और आज वो प्रॉब्लम हम लोगों की दूर हुई, तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि DXN ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है।